हेलो एवरीवन, आज हम लोग ये बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन वन शॉट वीडियो में हम लोग देखेंगे। मतलब आपको एक ही वीडियो में आपको देखे इतना कुछ, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन हैं, इनको मैं सॉल्व कराऊंगा और आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ चुका है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे पास बच्चों ने भेजा, तो हमने क्या किया उसको एक साथ में कराने का, मतलब मैं बोला कि मैं वादा करता हूँ करूँगा, तो वही मैं करने चल रहा हूँ। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता उसे डेफिनेटली करता हूँ, तो ये चीज़ आपको पता है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, तो इसीलिए मैं इसको कराने चल रहा हूँ। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए इसमें तीन चार चीज़ें आपको एक ही वीडियो में आपको तीन चार तरह की तरीके आपको बताऊँगा, इसलिए तीन चार मतलब तीन तरीके का। जैसे मान लीजिए आपको कोई रिएक्शन दिया है, उसको एसिडिक मीडियम में कैसे करेंगे, बेसिक मीडियम में कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है, और कैसे पहचानेंगे हमारा ये जो रिएक्शन है ये बेसिक मीडियम में है, या फिर हम लोग क्या करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे बैलेंस करेंगे और ऑक्सीडेशन मेथड से कैसे बैलेंस करेंगे, ये सब तरीके आपको बताएंगे। कुछ कुछ रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन मेथड से, लास्ट के जो रिएक्शन होंगे उसको मैं ऑक्सीडेशन मेथड से बताऊंगा, और जो शुरू के रिएक्शन होंगे उसको मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बताऊंगा। तो आपको देखते रहना है कि कैसे बता रहे हैं, मतलब क्योंकि एग्जाम में ये आपके पेपर में आता रहता है, किसी भी एग्जाम में उठा के देख लीजिए, मतलब कंपटीशन के कितने जो भी एग्जाम आते हैं उसमें भी पूछा जाता है, और साथ ही साथ आपके जो मतलब IIT में हो या फिर आप पॉलिटेक्निक में हो, दोनों जगह ये पूछा जाता है, और आप इंटरमीडिएट में होंगे तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटर में भी ये सब रिएक्शन दिया हुआ है। आप देखोगे जाके, आप किसी भी बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे रिएक्शन, मिल जाएंगे बैलेंस कैसे करना है, वो तरीका लिखा होगा, लेकिन आपको सरल से सरल तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए, ये इतने क्वेश्चन हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन ये नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन में आपको कराता चलूंगा, और लगभग आप दिल थाम के बैठ जाइएगा, कम से कम 1.5 से 2 घंटे या हो सकता है 2 घंटे लगेंगे इस लेक्चर को देखने के लिए, क्योंकि 13 क्वेश्चन सॉल्व करने में तो टाइम तो लगेगा, मुझे सॉल्व करना होगा तो मैं कर लूंगा, बहुत जल्दी से करके दिखा दूंगा, लेकिन आपको समझाना जरूरी है, इसलिए आपको थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए, एक क्वेश्चन पहले उतार लीजिए, फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जल्दी से नोट करिए। या क्वेश्चन का आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उससे क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा नोट करने में, ठीक है। आप बाद में नोट करते रहिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन तो मैं वैसे भी कराऊंगा, तो वहां से आपको पता ही चल जाएगा। बस ये इकट्ठा आपको लिखने के लिए आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आया हुआ है आपके पेपर में ऑलरेडी, ठीक है, ये कई बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, लोग गलत कर जाते हैं। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है कि जैसे कॉपर दिया है, कॉपर से कॉपर NO3 का ट्वाइस दे दिया है, यहाँ पे इस तरह का मतलब अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, इधर ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के अगर किसी दूसरे मतलब आपको कोई भी आपका एटम दिया है उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वहां पे आपको क्या करना है, तोड़ के अलग कर देना है। अगर आप अलग नहीं करोगे तो आप लाइफ टाइम उसको बैलेंस करते रहोगे, कभी बैलेंस नहीं होगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ये कॉपर है, यहाँ देखिए अगर ऑक्सीजन होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन आ गया तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने वाली है, तो इसीलिए इस तरह की आपको रिएक्शन को क्या करना है, अलग कर देना है या तोड़ देना है या डिवाइड कर देना है, ठीक है। पहला है हम लोग का, जैसे पहले इसको भी तोड़ देंगे और यहाँ भी हम लोग तोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे NO3 है, इसको अगर तोड़ रहे, इसको तोड़ रहे हैं और यहाँ भी तोड़ना पड़ रहा है, तो इसका मतलब दोनों जगह हम तोड़ के अलग करेंगे इसको। देखिए Cu प्लस
एच प्लस एनओ थ्री माइनस, ये हो गया। यहां क्या हो जाएगा, सी यू टू प्लस प्लस टू एनओ थ्री माइनस प्लस एनओ टू प्लस एच टू ओ। अब देखिए बहुत लोगों के दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करेगा कि हम एनओ थ्री से यहां एनओ थ्री ले लें, बिल्कुल मत लीजिएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए इस पोर्शन को आपको छोड़ देना है, ठीक है, मतलब यहां से यहां नहीं ले जाना है। एक तो पहला हम लोग क्या करेंगे, कॉपर से कॉपर टू प्लस, कॉपर से कॉपर टू प्लस, ठीक है, ये हो गया हमारा, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और दूसरा क्या है, एनओ थ्री से एनओ थ्री माइनस से एनओ टू पे जाएंगे, क्योंकि हमको देखना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां पे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इसका आप निकाल के चेक कर सकते हो, यहां नाइट्रोजन का पांच आएगा, यहां पे आपका क्या आ जाएगा, चार आ जाएगा, प्लस फोर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कोई भी रिएक्शन दिया हो, ठीक है, कोई रिएक्शन हो, एक्स वाई जेड कोई रिएक्शन हो, अगर आपसे बोल रहा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, तो आप क्या करोगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को आप अपनाओगे। अगर आपसे बोल रहा है ऑक्सीडेशन मेथड से, तो आप ऑक्सीडेशन मेथड से करोगे। तो वो ऑक्सीडेशन मेथड मैं आपको बाद में, लास्ट में कुछ क्वेश्चन है उसको मैं इकट्ठा लिखाऊं तो उसको कराएंगे, बाकी आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में है। और आपको पहचानने का तरीका क्या है, कि आप कैसे पहचानोगे कि ये एसिडिक मीडियम में, अगर मान लीजिए OH आपको नहीं दे रहा है या नहीं बोल रहा है यहाँ पे, आपको किस मीडियम में करना है, तो आप कैसे पहचानोगे कि किस मीडियम में हमको करना है। एक तो पहला नंबर आप देखोगे रिएक्शन में कहीं H प्लस आ रहा है कि नहीं, वो देखोगे। दूसरा नंबर आप देखोगे, आप बेसिक में देखने के लिए क्या करोगे, आप देखोगे उसमें OH माइनस दिख रहा है कि नहीं, कहीं अगर गलती से आपको OH माइनस दिख गया तो आप समझ लीजिए वो रिएक्शन आपको बेसिक मीडियम में ही करना है, या आपसे बोलेगा एल्केलाइन मीडियम, यही आपसे बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा। तो उसको आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से देखिए, यहां पे आप क्या करोगे, पहले हम इस वाली रिएक्शन को फर्स्ट, ये इस इक्वेशन को हम लोग लेके चलते हैं, Cu से Cu2+। अब यहां देखिए कॉपर आपका बैलेंस है, सबसे पहले आप तरीका एक बार बता दे रहा हूं, लास्ट टाइम आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूं, जब भी आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है उसको हमको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने की तरीके क्या है, सबसे पहले हमको क्या करना है, एटम बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एटम अगर बैलेंस हो गया, मान लीजिए किसी किसी में क्या होता है दो तरह के एटम दे दिए, तो दोनों तरह के एटम में क्या करना है, पहले एटम को बैलेंस करना है, फिर उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमको उधर ऐड करना पड़ेगा, उधर क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, H2O, H2O ऐड करना पड़ेगा। H2O ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किधर किधर आपका ऑक्सीजन की कमी है, अगर ऑक्सीजन की कमी जिधर होगी उधर H2O ऐड करना है, और जिधर आपको क्या करना है, वो ऐड करने के बाद हमको पता चल जाएगा कि हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। दूसरा क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस ऐड करना है, कितना H प्लस ऐड करना है वो देखेंगे, कि आपका जो मतलब हाइड्रोजन जिधर कमी होगी, जितने हाइड्रोजन की कमी होगी उतना H प्लस हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए बैलेंस करने के लिए आपको आता है, मतलब जैसे बैलेंस करने के लिए OH मतलब बेसिक मीडियम में बोलता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें OH दोनों साइड आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, चलिए हम लोग देखते हैं, अब यहाँ कॉपर हो गया कॉपर टू प्लस, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दो प्लस है दो माइनस मिलके, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, एनओ थ्री माइनस से एनओ टू, यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ दो, यहाँ तीन ऑक्सीजन है, यहाँ दो ऑक्सीजन है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एस टू ओ एड करेंगे, एस टू ओ एड कर दिया। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन अब यहाँ दो है, इधर कोई नहीं है, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, एच प्लस एड करेंगे, एनओ थ्री माइनस प्लस टू एच प्लस NO2 प्लस H2O। अब ये हमारा हो गया है, यहाँ देखिए दो इलेक्ट्रॉन था, यहाँ हम लोग देख लेते हैं कितना इलेक्ट्रॉन है,
देखिए यहाँ पे 2s प्लस है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक माइनस आया, ठीक है, एक माइनस आया तो हमारा क्या हो जाएगा, एक प्लस बचेगा। तो यहाँ अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे NO3 माइनस प्लस 2s प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये क्या हो गया NO2 प्लस H2O। अब ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। अब यहां देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे NO, यहां पे हम ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहां पे मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो यहां पे क्या करोगे, 2NO3 माइनस प्लस 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहां क्या हो गया 2NO2 प्लस 2H2O, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इस इक्वेशन में करने की कोई जरूरत नहीं है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐड कर लेंगे, ये इक्वेशन नंबर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे 2NO3 है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम लोग, ऐसे डायरेक्ट किसी को आप नहीं ऐड कर सकते, तो हमको क्या करना होता है, यहाँ पे दोनों पक्षों में 2NO3 हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तभी यहाँ पे आपको पद मिलेगा, नहीं यहाँ दो इक्वेशन हम ऐड करेंगे हमको NO3 कहीं मिलेगा ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड आपको NO3 ऐड करना पड़ेगा, कितना ऐड करना पड़ेगा, जितना यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले Cu प्लस 2NO3 माइनस प्लस 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस प्लस 2NO2 माइनस 2NO2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अभी ये हमारा ऐड कर दिया है, अब इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम लोग को क्या करना है, NO2 2NO3 माइनस हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ 2NO3 कितना हो जाएगा, Cu प्लस, एक बार लिख लेते हैं, 2NO3 माइनस प्लस 2NO3 माइनस प्लस 4H प्लस। अब ये देखिए इलेक्ट्रॉन हमारा कैंसिल हो गया है, इसको हम लोग कट नहीं करेंगे, आपको बताया हूं ना कि इसको रिएक्शन में आपको कैंसिल नहीं करना है, आप कट नहीं करोगे, ठीक है, वो अपने आप रिमूव, इसको गायब कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, Cu2 प्लस प्लस 2NO3 माइनस प्लस क्या आ जाएगा, 2NO2, यहाँ क्या आ जाएगा, 2NO2 प्लस 2H2O, ठीक है, ये आपका आ गया है। अब इसी में क्या करना है, अब देखिए यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ 2 2 4 हो गया, 4NO3 माइनस, यहाँ 4H प्लस है, तो H प्लस और NO3 माइनस यहाँ देखिए हम लोगों ने तोड़ा था, इसी को फिर से क्या करना है, ऐड कर देना है, तो ऐड करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4HNO3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस, CuNO3 का होल ट्वाइस, Cu2 प्लस 2 माइनस मिलके ये क्या बनाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cu प्लस 4HNO3, ये हो जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O, यही हमको क्या करना था, बैलेंस करना था, ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है, ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, क्योंकि जल्दी जल्दी आपको खत्म कराना है इसको, ठीक है? नहीं टाइम ज्यादा लगेगा। इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो लोग अगर पूरा नहीं नोट कर पाते हैं इसको, वीडियो को पॉज करके आप उसको कंप्लीट करके तब आगे बढ़िए। कोई जरूरी नहीं है कि आप साथ ही में साथ, मतलब हम तेजी से चल रहे हैं तो आप भी तेजी से चलो, आप आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आपका एग्जाम बचा हुआ है, टाइम है, प्रैक्टिस कर डालिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2O32-, प्लस I2 H2O6 H4O6 2- प्लस I-, ये इसको हमको बैलेंस करना है, ठीक है? तो यहाँ पे 2- होगा। यहाँ देखिए इस इक्वेशन में हमको सीधे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले चेक कर लीजिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ से H2O3 को एक साथ लिख लीजिए 2-, यहाँ H4O6 2-। तो इसमें आप चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ, तो 6 × 12 -2 करोगे तो ये 10 आ जाएगा, और यहाँ 4 है, ठीक है? तो इसकी ऑक्सीडेशन आप निकालोगे तो अलग अलग आएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि यहाँ आपका कम है, 3 × 6 -2 करोगे, ठीक है? तो 4 आएगा, 4 में 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है? तो ये कम है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सल्फर वाले में देखोगे, यहाँ इस वाले में 4 है लेकिन यहाँ ये इसकी संख्या ज्यादा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और दूसरा क्या है, I2 से I-, ठीक है? यहां देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 0 से -1 पे जा रहा है, ठीक है? -1 का मतलब ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है? अब इसमें देखिए इस वाले इक्वेशन में पहले हम इसको कर लेते हैं, H2O3 2- से H4O6 2-। तो यहां देखिए हमारे सल्फर कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इधर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये बैलेंस हो जाएगा। तो यहां हम इसको लिख सकते हैं 2H2O3 2- H4O6 2-। तो यहाँ देखिए हमारा सल्फर भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 2 × 3 = 6 ऑक्सीजन भी हो गया है हमारा ये बैलेंस है, बट अभी इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ 2- है, इधर 2 × 2 = 4- है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फिर यहाँ I2 से I- है, ठीक है? यहाँ 2 I है, यहाँ 1 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2I-। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आयन हमारे बैलेंस नहीं थे, इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या किया, ऐड कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है? बस कुछ करना नहीं है आपको, सीधे इनको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सीधे ऐड करोगे तो I2 प्लस ये इसको ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, I2 प्लस 2H2O3 2- गिब्स इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूं। यहां क्या हो जाएगा, H4O6 2- प्लस यहां क्या हो जाएगा 2I-। ये हमको क्या करना था, बैलेंस करना था, और देख लीजिए एक बार मैच करा लीजिए आपका बैलेंस है कि नहीं, और आई की संख्या कितनी है, 2,
दो आई हो गया, सल्फर आपका चार था, सल्फर चार हो गया, ऑक्सीजन कितना है, दो तीन छह, दो तीन छह। अब माइनस चार्ज देख लेते हैं, ठीक है, दो दूनी चार, दो दूनी चार आपका बैलेंस है। इसको जल्दी से नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से करिए। मिटाया इसको, आपको जितना तरीका बताया गया है उससे ज्यादा कुछ अपना दिमाग मत लगाने लगिएगा। अगर दिमाग लगाओगे ज्यादा फिर दिक्कत ही है, इतना जान लीजिए। दिमाग जहां लगाना है वहां लगाइएगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको MnO2 प्लस C2O4, MnO2 प्लस C2O4 2 माइनस MN2 प्लस प्लस CO2, MN2 प्लस प्लस CO2। ये सब आपको एसिडिक मीडियम में करने हैं, पहले ही बता दिया गया है, ठीक है। देखिए यहां से पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं, MnO2 से Mn2 प्लस, ठीक है। तो MnO2 यहां देखिए Mn का यहां कितना हो जाएगा, +4, +4 से +2 पे जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। आपको बताया था ना, एक बार यहां फिर से बता दे रहा हूं, जीरो देख लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4। अब देखिए अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर प्लस से माइनस की तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर इधर से इधर आ रहे हैं तो ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। यहां पे ये थोड़ा कम दिख रहा है, अब यहां देखिए Mn2 प्लस हो गया। अब यहां देखेंगे हम लोग, पहले आपका Mn बैलेंस है, अब इसमें ऑक्सीजन अभी आपकी कमी है, तो यहां पे क्या करेंगे, इस साइड में H2O ऐड करेंगे। कितना करेंगे, क्योंकि तो यहां दो ऑक्सीजन है तो दो H2O ऐड करेंगे, MnO2 Mn2 प्लस प्लस 2H2O। अब फिर उसके बाद इधर देख लीजिए हाइड्रोजन की कमी है, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, MnO2 प्लस 4H प्लस, ये क्या हो जाएगा, Mn2 प्लस प्लस 2H2O। अब हमने क्या कर लिया, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आयन बैलेंस करेंगे। अभी यहां देखिए 4 प्लस है, इधर 2 प्लस है, तो इधर हम लोग अगर माइनस 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस हो जाएगा MnO2 प्लस 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा Mn2 प्लस प्लस 2H2O, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ऐसे ही क्या करेंगे, C2O4 2 माइनस से CO2 हमारा बना रहा है। यहां देखिए कार्बन की संख्या यहां 2 है, यहां 1 है, इधर क्या करेंगे, कार्बन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, C2O4 2 माइनस ये 2CO2, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, 2CO2। फिर इसके बाद देख लीजिए ऑक्सीजन आपका बैलेंस है, 4 ऑक्सीजन यहां, 4 ऑक्सीजन यहां, बैलेंस हो गया। अब यहां क्या करना है हमको, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो गया है। दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, Mn
O2 प्लस 4s प्लस, इलेक्ट्रॉन दोनों का कैंसिल हो जाएगा तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। या इसको अभी पहले C2O4 लिख लीजिए, C2O4 2 माइनस प्लस 4s प्लस, ये हो जाएगा Mn 2 प्लस प्लस 2CO2। ये हमको बैलेंस करना था, एक बार चेक कर लेते हैं। Mn एक है, Mn एक हो गया, ऑक्सीजन 2 और 4 6, MnO2 इधर, अभी 2H2O छूट गया है यहाँ पे, प्लस 2H2O 2 और 4 ये 6, ठीक है। ये 2 छूट गया था यहाँ पे, 2 ये हो गया और 4 ये 6 हो गया, ऑक्सीजन 4 2 6 ये बैलेंस हो गया है। हाइड्रोजन कितना है 4, इधर क्या है 2 2 4 बैलेंस हो गया। अब प्लस चार्ज माइनस चार्ज देख लेते हैं, तो यहाँ 4 प्लस है और 2 माइनस करोगे तो 2 माइनस बचे, 2 प्लस बचेगा, तो यहाँ क्या है 2 प्लस, ठीक है, हमारा बैलेंस हो गया है। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन करेंगे, जल्दी नोट करिए। हो गया, मिटाया इसको। चौथा क्वेश्चन आपका बेसिक मीडियम में बनाना है, पहले ही बता दे रहा हूं, लेकिन आपको पहचानने का तरीका बताता हूं कैसे पहचानेंगे इसको। हमको बेसिक में करना है, उसमें कुछ लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि आपको किस में करना है, बस आपको क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है कि बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। I2 प्लस OH माइनस, अब आपको समझ में आ गया होगा, इससे क्या बनाना है, IO3 माइनस प्लस I माइनस प्लस H2O। देखिए I2 से हमको क्या करना है, ये I2 प्लस OH माइनस, यहां से हमको क्या करना, पहचानना है कि ये हमारा बेसिक मीडियम में हमको बनाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया, अगर ये OH माइनस दे दिया है तो आप समझ जाइए कि हमको बेसिक मीडियम में ही बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले I2 से, और क्वेश्चन में आपको क्या करना है, OH और H2O कहीं भी आपको दिख जाता है तो आप उसको छोड़ दीजिए, कह दीजिए आपका कोई काम नहीं है, आप क्या करोगे लास्ट में उसको अपने आप वो बैलेंस हो जाता है। अभी आप देखते हैं यहाँ जो H2O लिखा रहता है उससे ज्यादा ही H2O आपको मिल जाता है, क्योंकि अगर बैलेंस करना होता है या कभी कभार एक ही H2O यूज होता है तो उससे नहीं मतलब है, आप H2O और OH कहीं गलती से दिख जाए उसको आप छोड़ दीजिए, वैसे एज इट इज छोड़ दीजिए, आपका अपने आप बैलेंस हो जाएगा। H2O मिल गया, OH मिल गया या H प्लस मिल गया, आप छोड़ दीजिए उसको, अपने आप वो बैलेंस हो जाएगा लास्ट तक जाके, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करेंगे, I2 से IO3 माइनस, एक बार यहां देखिए 2 I है, तो एक बार इसके साथ इसी I2 से और एक बार इसके साथ I2 से I माइनस, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसका देख लीजिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ 0 गया और यहाँ कितना आ रहा है, प्लस 5 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखिए I2 मतलब 0, 0 से माइनस पे जा रहा है, माइनस 1 पे, तो अभी यहाँ आपको बताया था कि 0 से इधर अगर जाएगा मतलब उधर से इधर आएगा, मतलब प्लस से निगेटिव की तरफ जाएगा तो हमारा क्या होगा, रिडक्शन होगा, अगर माइनस से प्लस की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। अब इसको हम लोग एक एक करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, I2 से, या पहले हम लोग इसी को कर लेते हैं, I2 से I माइनस ये दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ I2 यहाँ 2i माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2i है तो यहाँ 2i माइनस हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ i माइनस है तो इधर हम लोग क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
दूसरा क्या है, आई टू से आई ओ थ्री माइनस, ठीक है। अब यहां देखिए दोनों में आई आपका आई, यहां दो है, यहां एक है, यहां दो है, देखिए यहां एक है ना, इधर दो है, तो यहां पे क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहां दो से मल्टीप्लाई करेंगे आई टू से टू आई ओ थ्री माइनस। अब यहां देखिए हमारा ये हो गया, आई तो बैलेंस हो गया, बट अभी ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो यहां देखिए दो तीन छह, इधर क्या करेंगे सिक्स एस टू ओ एड करेंगे, सिक्स एस टू ओ, फिर इसके बाद टू आई ओ थ्री माइनस, इधर क्या करेंगे एस प्लस एड करेंगे, कितना छह दूनी बारह एस प्लस, प्लस बारह एस प्लस। अब यहां फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं कितना हो रहा है, यहां पे देखिए दो माइनस और ये बारह, इसका मतलब यहां टेन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्लस टेन इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब यहां दो इलेक्ट्रॉन है, यहां टेन इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इस वाले इक्वेशन में मैं पांच से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बैलेंस हो जाएगा, पांच से मल्टीप्लाई करेंगे दस इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, बाकी सब तो बैलेंस है ही, तो यहां पूरे इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे पांच से, यहां मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, यहां क्या करेंगे पांच से मल्टीप्लाई कर देंगे, पांच से मल्टीप्लाई, यहां देखिए ध्यान से देखिएगा, पांच से यहां मल्टीप्लाई किया, अब मल्टीप्लाई करने का मतलब ये क्या हो जाएगा आई टू फाइव आई टू प्लस टेन इलेक्ट्रॉन गिव्स टेन आई माइनस, ठीक है। अब यहां क्या करना है इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, इस इक्वेशन को हमको क्या करना है ऐड कर देना है, अभी ऐड नहीं करना है, देखिए एक चीज गड़बड़ हो गया है, हमको क्या करना है इस वाले में अगर आप ओ एच ऐड करते हैं तब भी कोई दिक्कत है, नहीं ऐड करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ओ एच सेम सेम रहेंगे तो वो ऑलरेडी कट जाएंगे, इस वाले में हमको क्या करना है ओ एच ऐड करना है, तो एक स्टेप थोड़ा सा पीछे चलते हैं क्योंकि हमको बेसिक में बनाना है, ध्यान नहीं था, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा ये टेन इलेक्ट्रॉन अभी हटा दीजिए, या इधर ही लगाए नहीं रुक जाइए, ये यहां से ही हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन को फिर से सॉल्व करते हैं, देखिए इसको हमको बेसिक बनाना है, तो इधर क्या करेंगे दोनों साइड में ओ एच माइनस ऐड कर देंगे, आई टू प्लस ओ एच माइनस टू आई माइनस प्लस ओ एच माइनस, नहीं भी ऐड करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका प्लस, यहां देखिए इस वाले में क्या करेंगे प्लस टू इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, और दूसरा क्या है हमारा आई टू से आई ओ थ्री माइनस, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे आई ओ थ्री माइनस आ गया है, अब इधर हमारा आई टू है तो इसको क्या हो जाएगा आई टू से टू आई ओ थ्री माइनस, ठीक है। अब यहां आपका कितना आया सिक्स आया, अब इधर क्या करेंगे सिक्स ऑक्सीजन आया ना दो तीन छह, तो इधर हम लोग क्या करेंगे आई टू प्लस सिक्स एस टू ओ, ये टू आई ओ थ्री माइनस प्लस, अब यहां क्या करेंगे एस प्लस बैलेंस करना है, इधर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे ट्वेल्व एस प्लस ऐड कर देंगे। अब इसके बाद दोनों इक्वेशन को हम लोग बेसिक में, ये इस इक्वेशन को बेसिक मीडियम में बनाना है, तो क्या करेंगे दोनों साइड में हमको क्या करना है ओ एच माइनस ऐड करना है, कितना हम ऐड करेंगे जितना आपका एच प्लस है, एच प्लस हमारे पास कितना है ट्वेल्व है, तो यहां हम लोग दोनों साइड में ट्वेल्व एच प्लस ऐड करेंगे, आई टू प्लस सिक्स एस टू ओ प्लस ट्वेल्व ओ एच माइनस प्लस टू आई ओ थ्री माइनस प्लस ट्वेल्व एच प्लस प्लस ट्वेल्व ओ एच माइनस, ठीक है। अब यहां देखिए एस प्लस ट्वेल्व ओ एच माइनस और ट्वेल्व एच प्लस मिलकर क्या बनाएगा ट्वेल्व एच टू ओ, यहां क्या हो जाएगा आई टू प्लस सिक्स एस टू ओ प्लस ट्वेल्व ओ एच माइनस टू आई ओ थ्री माइनस प्लस ट्वेल्व एस टू ओ, ठीक है। अभी इसके बाद देखिए यहां सिक्स एस टू ओ है, इधर ट्वेल्व है, इसको उधर ले जाएंगे सिक्स बचेगा आई टू
प्लस 12 OH माइनस 2IO3 माइनस प्लस यहाँ कितना बच जाएगा 6H2O, क्योंकि हमने क्या किया है इधर से 6 इधर ले आया है तो ये 6 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ 2 माइनस है, इधर कितना है 12 माइनस है, तो क्या हो जाएगा अगर हम यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ये वाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया था। अब इस इक्वेशन में देखिए यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी इक्वेशन में 5 से उनको मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने जो किया था वो गलत नहीं था, बस ये नहीं किया था कि OH नहीं ऐड किया था, थोड़ा सा ध्यान नहीं था, नहीं तो पहले ही कर देता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 2I2 प्लस 2OH माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई हुआ ना, यहाँ क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा, 5I2 और ये 5OH माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10I माइनस प्लस 5OH माइनस, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर आपका थर्ड हो गया, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे इक्वेशन को, हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने के लिए मतलब हमारा क्या करना पड़ेगा, इधर देखिए इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, 5I2 और 1I2, तो ये कितना आ गया 6I2 प्लस, यहाँ देखिए 5OH, ये 5OH, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं था, हमने बस इसको आपको दिखा दिया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 12OH माइनस, और ये 10 इलेक्ट्रॉन, ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये कितना बच जाएगा 2IO3 माइनस प्लस, यहाँ कितना आ गया 10I माइनस प्लस 6H2O, ठीक है, ये आ गया है हमारा आंसर। बट अभी देखिए इसमें कुछ कॉमन अगर निकल रहा है, कॉमन निकलने का मतलब यहाँ 2 कॉमन निकाल के इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 कॉमन निकाल के इसको लिख सकते हैं हम लोग, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे, यहाँ 2 कॉमन ले लोगे अगर, ये 3I2 आ जाएगा प्लस 6OH माइनस प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा IO3 माइनस प्लस 5I माइनस प्लस 3H2O, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन क्या आ गया, बैलेंस रिएक्शन हो गया। अब यहाँ देख लीजिए 3I2 तीन दूनी 6, 5I और 1, ये 6I हो गया, बैलेंस हो गया, 6 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन यहाँ, 3 ऑक्सीजन यहाँ, 6 हो गया, फिर उसके बाद 6 हाइड्रोजन है, 5, ये 3 × 6 आ गया, ये बैलेंस हो गया, माइनस चार्ज देख लीजिए कितना है इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 6 यहाँ हो गया, 1 और 5 यहाँ 6, हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन था, हाँ ये चौथा क्वेश्चन था, जल्दी इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पांचवा क्वेश्चन, कह रहा है MnO4 प्लस SO3 माइनस, MnO4 माइनस प्लस SO3 माइनस से हमको क्या बनाना है,
NNO4 2 minus plus SO4 2 minus. ये हमको क्या करना है, इसी रिएक्शन को बैलेंस करना है. तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, MnO4 minus से MnO4 2 minus, यहां हमको क्या करना है, इक्वेशन देखना है. तो यहां पे देख रहे हो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, यहाँ पे ऐसे ही पता चल रहा नहीं, इसमें देखिए ऑक्सीडेशन नहीं, माइनस है ना, तो एक कम हो जाएगा. तो इसका मतलब अगर यहाँ प्लस सेवन बना रहा है तो यहाँ प्लस सिक्स हो जाएगा. तो प्लस सिक्स का मतलब प्लस सेवन से प्लस सिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिडक्शन. यहाँ देख लीजिए एक बार, Mn यहाँ इसको अगर हम लोग x मान लेते हैं और ये चार दुनिया आठ हो जाएगा, आठ में से एक जाएगा माइनस, तो ये सात हो जाएगा. तो ये Mn क्या आ जाएगा, प्लस सेवन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस सिक्स. ठीक है, तो ये प्लस सेवन से प्लस सिक्स का मतलब रिडक्शन. SO3 माइनस से SO4 2 माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा सल्फर, यहाँ प्लस फाइव बनाएगा, यहाँ कितना बनाएगा, प्लस सिक्स बनाएगा. ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस सिक्स बन जाएगा, इधर प्लस फाइव. तो ये इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन. ठीक है, अब एक एक करके हम लोग बैलेंस करते हैं. तो पहले इस वाली इक्वेशन को हम लोग कर लेते हैं, SO3 माइनस वाले को. अब यहाँ इसको चाहे इधर लिख लीजिए प्लस फाइव, क्योंकि उसी में आपको हो सकता है देखने में कंफ्यूजन हो कि ये आगे क्या लिखा है. तो ये प्लस फाइव से प्लस सिक्स गया. यहाँ देखिए सल्फर बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है. ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ चार है, यहाँ पे तीन है. तो इधर हम लोग क्या करेंगे, एस टू ओ एड कर देंगे, एस ओ थ्री माइनस प्लस एस टू ओ एस ओ फोर टू माइनस. यहाँ एक माइनस है, यहाँ दो माइनस है. तो इधर हम लोग पहले अभी हाइड्रोजन भी बैलेंस करना है ना, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, टू एस प्लस. ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा, एक माइनस है, यहाँ एक प्लस दो माइनस मिलती है, न्यूट्रल हो गया, इसको कोई दिक्कत नहीं है. अब यहाँ पे क्या करेंगे, इधर क्योंकि एक माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे, इधर वन इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. दूसरा क्या है, MnO4 माइनस से MnO4 टू माइनस. देखिए मैग्नीज है, यहाँ भी मैग्नीज है. ठीक है, मैग्नीज मैग्नीज दोनों बराबर है, ऑक्सीजन चार ऑक्सीजन चार, यहाँ एक माइनस है, यहाँ दो माइनस है. तो हम लोग इधर क्या करेंगे, बस आपको कुछ करना ही नहीं है, बस आसानी से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब एकदम हलवा है. MnO4 माइनस प्लस वन इलेक्ट्रॉन, MnO4 टू माइनस, ये क्वेश्चन नंबर टू. देख रहे हैं दोनों में इलेक्ट्रॉन आपका बैलेंस है, बस आपको क्या करना है, डायरेक्ट ऐड करना है. डायरेक्ट ऐड करने का मतलब उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको. ठीक है, तो दोनों में वन इलेक्ट्रॉन है, दोनों को ऐड कर दीजिए. एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हो जाएगा, MnO4 माइनस प्लस SO3 माइनस प्लस H2O, इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल कर दिया, वन इलेक्ट्रॉन, MnO4 टू माइनस प्लस SO4 टू माइनस प्लस टू एच प्लस, यही हमको बैलेंस करना था. ये हमारा बैलेंस हो गया. एक बार देख लीजिए, एक एम एन, एक एम एन ऑक्सीजन कितना है, चार तीन सात एक आठ, चार चार आठ बैलेंस. हाइड्रोजन दो, दो हाइड्रोजन हो गया, सल्फर एक, एक सल्फर एक सल्फर. चार्ज देख लेते हैं, एक माइनस दो माइनस हो गया. यहाँ देखिए दो माइनस दो प्लस मिलके न्यूट्रल हो गया, बचा है दो माइनस, हमारा बैलेंस है रिएक्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसको नोट करिए. ये आपका क्वेश्चन नंबर फाइव था, अभी आपको सात पांच बारह आठ क्वेश्चन अटेम्प्ट और करना है. तो सब ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है. एक आध दो क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं तो उसे डरना नहीं है, क्योंकि आपको प्रोसेस अगर पता है तो आप आसानी से कर सकते हो. ठीक है, और मेरे रहते आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए अगर आपको नहीं आ रहा है, एक बार मुझे जरूर याद करिएगा. याद करने का मतलब आप मुझे ऐसे नहीं, जैसे होता है ना कि जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो
तो हमको याद करने का मतलब ये नहीं कि हमको याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा। हमको याद करने का मतलब जब हमने जहाँ पे पढ़ाया है वो चीज वहां पे हमको याद करिए कि हाँ सुरेंद्र सर ये हमको नहीं आ रहा है, कृपया याद आ जाइए। तो याद आ जाएगा, लेकिन आप ढंग से अगर एक बार पढ़े होंगे तो, अगर पढ़े नहीं है तो आपको नहीं याद आएगा। आप सोचो हम सर को याद कर लेंगे हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक बार जरूर आप पढ़े होंगे तब याद आएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। हो गया, मिटा इसको। इतना क्वेश्चन करा दिया हूं, उतना क्वेश्चन आप ढूंढ डालोगे यूट्यूब पे भी कहीं नहीं मिलेगा, ऑक्सीडेशन से भी रिलेटेड सर्च कर डालिएगा, एक बार देख लीजिएगा, कहीं मिल जाएगा तो आके हमको बताइएगा। क्योंकि 13 क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ और इसके पहले हमने कितना क्वेश्चन करा दिया है, आप 13 तो यहाँ करा रहा हूँ और कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया हूँ, उसमें आया है कुछ रिपीटेड होंगे, तो कम से कम 8 क्वेश्चन अलग और कराया हूँ। 13, 8, 21 क्वेश्चन हो गया, 21 क्वेश्चन, और फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कराया था, तो कुल मिला के 25 क्वेश्चन के आसपास है। 25 क्वेश्चन कोई भी नहीं कराता, इतना नहीं प्रैक्टिस आपको कराता, बस 2-3 बताएगा कि हाँ ऐसे ऐसे हो जाता है, और कैसे होता है वो बाद में आप देख लीजिए कौन करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, Cl2+। देखिए अभी इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया था Br2 का करके, IO3-, उसी तरह ये भी है IO4-, प्लस Cl-। वहां पे क्या था आपका, Cl2 के जगह पे आपका Br2 था। ठीक है, तो वैसे ही सेम है, यहाँ पे भी क्वेश्चन है, यहाँ IO3- होना चाहिए, माइनस है यहाँ पे। देखिए यहाँ Cl2 से हमको कहाँ जाना है, Cl- और दूसरा क्या है IO3- से IO4-। ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है, 0 से माइनस पे जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। 0 से माइनस का मतलब ये आपका किस एलिमेंट फॉर्म में है, तो इसका आपका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल फॉर्म में हो या एलिमेंट फॉर्म में हो तो वो आपका, अगर अकेला है, अकेला आपको बताया था ना, आप ऐसे सपोज कर लीजिए आपका अस्तित्व तब तक नहीं है, आप किसी से कंपेयर करने का मतलब, मान लीजिए किसी की शादी हो रही है, ठीक है, शादी मान लीजिए किसी से, जिससे भी आपकी शादी होगी, अरे खुशमत हो जाओ, किसी से भी आपकी शादी होती है, तो वहां पे आपकी स्टेबिलिटी तब तक कंपेयर नहीं हो सकती जब तक आपकी शादी ना हुई हो। शादी ना होने का मतलब क्या है, आप सिंगल है तो आप किससे कंपेयर करोगे, नहीं कंपेयर कर सकते। फिर उसके बाद आप कंपेयर कब करोगे, जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो गई, और शादी हो गई तो ठीक है, मान लीजिए आप कुछ नहीं बन पाए, आपकी वाइफ PCS बन गई, ठीक है, तो वहां पे आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आपका मतलब उतना वो नहीं होगा, तो आपका कंपेयर अगर किया जाएगा आप कितना कमा रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो कितना कमा रहे हैं, तो यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तब यहाँ पे आपकी स्टेट पता चलेगी कि आपकी स्टेट लेवल क्या है आपका। ठीक है, तो इस तरह आप क्या, अभी आप एग्जांपल देखे होंगे, सुने होंगे, पेपर में निकला हुआ था, बहुत ज्यादा वायरल भी हो रहा है, तो उसी तरह मैं आपको ऐसे समझा भी रहा हूँ, और ऑलरेडी मैं इसके इस मैटर के होने के पहले मैंने आपको क्लास में भी समझाया था कि कैसे होता है, मतलब आपको स्टेट समझाने का प्रयास किया था, ये तो मैटर अभी बाद में आया, उसके पहले मैं आगे की सोच के बता देता हूँ कि होने क्या वाला है, आपको पता है ना, तो होने क्या वाला ये मैटर अभी आप देख रहे होगे इधर, और मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाते समय, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाते समय ये आपको बताया था, तो आप सोच लीजिए कि मैं कितने कदम आगे चलता हूँ लोगों से, तो यहाँ कदम आगे चलने का मतलब यही है, आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, बस ये आपको थोड़ा सा रिलेट करने का प्रयास करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि बताने का मतलब ये है कि आप जो आपकी स्टेबिलिटी है, या स्टेबिलिटी का मतलब ये आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कैसे कंपेयर करोगे जब तक आप किसी से अटैच नहीं होगी। अटैच होने का मतलब, जैसे अब मैं यहाँ पे आपको शादी का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि शादी का मतलब दो लोग शादी हो गई, ठीक है,
अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहीं से आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे कि मान लीजिए इनकी सैलरी कुछ और है, इनकी कुछ और है, ठीक है। तो वहां से आप कंपेयर कर पाओगे ना कि मेरी वाइफ की सैलरी और आपकी, मतलब मेरी सैलरी क्या है। तो वहां से सैलरी के उस पर आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब जो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मैं समझाना चाह रहा हूँ वो वहीं से, अगर इनकी मान लीजिए 50,000 सैलरी है, ठीक है, और आपकी कितनी है 20,000 सैलरी है, तो आप क्या कहोगे 30,000 इनसे कम पा रहे हो, तो इसका मतलब आप कम पा रहे हो ना, तो इनसे अगर आप कंपेयर करोगे, ठीक है, तो आप रिड्यूस हो, ठीक है। और अगर ये आपसे कंपेयर करेंगे तो ये जैसे मान लीजिए इनकी पहले स्टार्टिंग सैलरी मान लीजिए यहाँ इनकी रही होगी, मान लीजिए सपोज करिए 45,000 या कुछ समथिंग मान लीजिए, जो भी ऐसे बता रहा हूँ, और आपकी मान लीजिए इसके पहले आपने कहीं और अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे थे तो वहाँ आपको मिल रहा था 25,000, ठीक है, और अब आपको मिल रहा है 20,000। तो जब 25,000 से आप 20,000 पे आओगे, ठीक है, 25,000 से 20,000 पे आओगे तो आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो, ज्यादा आप गहराई में मत जाइए, क्योंकि आप ज्यादा सोचने लगोगे ना तो मैं आपको पहले से ही बता रहा था कि पेपर टाइम में क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको क्या बताया था, पेपर टाइम में आपको बुखार होता है, प्यार होता है, ये सब इन सब चीजों से आप दूर ही रहिए, क्योंकि पहले आप स्टेबल हो जाइए फिर इन सब चीजों में आइए, ठीक है, नहीं आपको दिक्कत होगी। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, पेपर में आपको क्या होता है, बुखार होता है, खांसी होता है, बुखार होता है, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल में कॉलेज में देख लिया हूँ कि आपने कितना एग्जाम्पल दे दिया था, ठीक है। यहाँ आइए, देखिए IO3 माइनस, ये आई की आपकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे देख रहे हो 4 × 8 नहीं, यहाँ +5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ +5 है IO3, मतलब 3 × 6 -1 +5, और ये 4 × 8 -1 +7, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो आप लोग भी बढ़िया से पढ़ाई करिए, नहीं तो आपके साथ भी वही घटना घटेगी जो अभी प्रयागराज में हुआ है। आपने सुना होगा कि मतलब जो भी PCS में थी, अब नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी को खराब ना लगे, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, बाकी आप समझ गए होंगे, SDM साहिबा, यहाँ देखिए IO3, अब इसको हम लोग लेके चलते हैं, पहले यहाँ एक आई है, यहाँ भी एक है, बैलेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 4 है, तो इधर क्या करेंगे, H2O ऐड करेंगे, IO3 माइनस प्लस H2O, ये क्या हो जाएगा, IO4 माइनस, ठीक है। अब यहाँ एक माइनस है, एक माइनस यहाँ भी है, लेकिन अभी हमारा हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 2S+, तो यहाँ 2+ आ गया है और 2 - 1 है, तो इसका मतलब यहाँ 1+ ज्यादा है, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन एड करेंगे, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, IO3 माइनस, यहाँ देखिए एक माइनस ये बैलेंस हो गया, यहाँ क्या है 2S+ आया है, तो इसका मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से बैलेंस नहीं होगा, अब ये बैलेंस हुआ, ठीक है, क्योंकि एक माइनस यहाँ हो गया, ये तो ऑलरेडी बैलेंस, 2+ आया हमारे पास, तो 2- भी आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, Cl2 से Cl-, तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 1 है, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर 2Cl-, अब यहाँ 2- है, इधर हम लोग क्या करेंगे, 2- इधर भी ऐड कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या हो जाएगा, 2Cl-, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे आसानी से आ जाएगा, यहाँ आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl2 प्लस IO3 माइनस प्लस H2O, यहाँ क्या हो जाएगा, IO4 माइनस प्लस Cl2Cl- प्लस 2H+, अब इसको देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं है, Cl2 प्लस IO3 माइनस प्लस H2O, IO4 माइनस 2Cl-, अब यहां देखिए 2 क्लोरीन बैलेंस
आई आपका एक है, यहाँ एक है, ऑक्सीजन देख लीजिए तीन एक चार, चार यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखिए दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, अब प्लस चार्ज माइनस चार्ज देख लेते हैं, एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ, बैलेंस हो गया ये, यहाँ दो माइनस है दो प्लस है, बैलेंस है, ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये छठा क्वेश्चन था, सातवां क्वेश्चन हम लोग करने चलते हैं। अभी कुछ लोग क्या नाम है अवधेश वर्मा करके है, उन्होंने क्वेश्चन भेजा हुआ था, तो उनका क्वेश्चन भी अभी सॉल्व कराएंगे। सी यू एस करके क्वेश्चन था, तो उनका भी क्वेश्चन कराएंगे। और अगर अवधेश वर्मा सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे तो आपकी क्वेश्चन की सुनवाई हो चुकी है, मैं अभी उसको भी लगवा दे रहा हूँ। और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है लेकिन लोग गलत कर जाते हैं क्योंकि उस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, इसीलिए मैं उस क्वेश्चन को लास्ट में लिया हूँ। लास्ट का मतलब लास्ट से, मतलब लास्ट से तीसरा क्वेश्चन है, मतलब पीछे से चलेंगे अभी जब लास्ट में तीसरा, या आप 9, 10, 11 नंबर का क्वेश्चन है, तो वहां पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि उसमें गलती करने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। इसको जल्दी से नोट करिए। हो गया बेटा इसको, अब यहां देखिए वन शॉट का मतलब ये बंदूक की गोली दिख रही है, वन शॉट में मार रहा हूं, इसीलिए बना दिया हूं वन शॉट। बाकी आप थंबनेल से खुद ही चौंक जाओगे कि हाँ थंबनेल में दिख ही रहा है वन शॉट, दो तीन गोलियां उसमें लगी हुई है थंबनेल में, गोलियां मतलब वो अंदर घुसी हुई है, दिखेगा नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Cr2O7 2 माइनस प्लस I माइनस, यहां से आपका Cr3 प्लस क्रोमियम 3 प्लस। अभी कुछ क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व कराएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक दो पेपर है, अगर मेरे पास टाइम रहेगा क्योंकि पेपर चल रहा है ऑलरेडी मेरा भी आपको बता चुका हूं, तो धीरे धीरे करके उसको भी करा देंगे, आपके पेपर के पहले पहले हो जाएगा। ठीक है, क्रोमियम 3 प्लस प्लस आई टू प्लस एस टू ओ, ठीक है, ये यहां से क्या हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस से Cr3 प्लस, ये हो जाएगा, और दूसरा आई माइनस से आई टू। तो यहां देखिए एक का क्या हो रहा है, यहां पे क्रोमियम का यहाँ प्लस सिक्स बनाएगा, तो प्लस सिक्स से प्लस थ्री पे जाओगे तो क्या होगा रिडक्शन, और यहाँ माइनस वन से जीरो पे जाओगे तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन। बस ये पहचान ले गए तो आप आराम से कर ले जाओगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। इसी क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, तो आई से आई टू, आई माइनस से था तो यहाँ आई माइनस हो गया आई टू हो गया, प्लस यहाँ क्या कर लेंगे दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे दो माइनस है, इधर कोई माइनस नहीं था तो हमने क्या किया दो माइनस ऐड कर दिया। फिर इसके बाद क्रोमियम Cr2O7 2 माइनस से क्रोमियम 3 प्लस, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अगर H2O OH S+ कहीं गलती से अगर आपको रिएक्शन में दिख जा रही है उनको आंख बंद करके आप छोड़ दीजिए, ठीक है, उसको नहीं ऐड करना है, लास्ट में वो ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्रोमियम यहाँ दो है यहाँ एक है, तो क्या करेंगे दो से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 2Cr3+। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है 7 है, तो इधर क्या करेंगे 7H2O ऐड कर दीजिए, और इधर कितना है हाइड्रोजन 7 × 14, तो इधर हम लोग क्या करेंगे प्लस 14H+, ठीक है, इधर ऐड कर दिया। अब इधर देखिए हमको क्या करना है, इसमें देख लेते हैं कितना प्लस माइनस हो रहा है क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए आ गया है, तो यहाँ 6 है, यहाँ 14 में से 2 गया 12, 12 में से 6 गया 6 बचेगा, तो यहाँ हम लोग क्या करें इधर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो हमारा बैलेंस हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन
ये क्या हो जाएगा, 2Cr3+ प्लस 7H2O, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इस वाले इक्वेशन में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देना, और 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ हम लोग लिखेंगे 6i- से यहाँ क्या हो जाएगा 3i2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद ये क्या हो जाएगा Cr2O7 2- प्लस 6i- प्लस 14H+, और ये 6 इलेक्ट्रॉन ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा 2Cr3+ प्लस 3i2 प्लस 7H2O, ये इसको एक बार चेक कर लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं है। क्रोमियम 2 है, 2 क्रोमियम, ऑक्सीजन 7 है, 7 ऑक्सीजन, आयोडीन कितना है 6 है, यहाँ पे भी 3 × 6, हाइड्रोजन कितना है 14, 7 × 14, ये बैलेंस हो गया है। अब चार्ज बैलेंस देख लेते हैं, 2 और 6 8 हो गया, 8- है और 14+ है, तो बचा 6+, तो 6+ यहाँ भी है आपका 3 × 6+, ये हमारा बैलेंस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपका 7वां क्वेश्चन था, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें थोड़ा सा इस लेक्चर में आपको टाइम लग रहा होगा, लेकिन ये सब देखने के बाद फिर आपका एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। और आप जब क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कोई नया भी क्वेश्चन आएगा, नया क्वेश्चन का मतलब इन्हीं में से कोई अगर आता है, तो आप आसानी से इसलिए कर ले जाओगे क्योंकि आपने एक बार देखा है, और जब तक एक बार देखे नहीं रहोगे आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे करना क्या है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप कंफ्यूज रहते हो, वो सब क्वेश्चन इसीलिए आपको कराया जा रहा है, गड़बड़ ना करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें कह रहा है Br2, मैंने आपको पहले बोल दिया था, ये बाद में है ये क्वेश्चन, मुझे लगा कि हमने करा दिया है इसको, Br2 प्लस OH- I2 का करके क्वेश्चन कराया था ना, ये हो जाएगा Br- प्लस BrO3- प्लस H2O। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ H2O भी दिया है, OH दिया है, तो OH से आपको समझ में आ गया होगा कि हमको बेसिक में करना है, ठीक है। और यहाँ Br2 है, एक ही से हमको दोनों रिएक्शन को लेके चलना है, एक से ऑक्सीडेशन होगा एक से रिडक्शन होगा, तो Br2 से Br- और Br2 से BrO3-, तो यहाँ इसके हिसाब से यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि ये जीरो है, जीरो से अगर आप कहाँ जाओगे -1 पे तो ये रिडक्शन हो रहा है, और जीरो से आप अगर +5 पे जा रहे हो तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को पहले कर लेते हैं ऑक्सीडेशन वाले को, यहाँ Br2 है, यहाँ सिंगल Br है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, Br2 2BrO3-। अब यहाँ देखिए 3 × 6 ऑक्सीजन है, यहाँ कोई भी ऑक्सीजन नहीं, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन ऐड कर लेंगे, Br2 प्लस 6H2O, जितना ऑक्सीजन बैलेंस करना होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, H2O ऐड करेंगे,
यहां पे क्या आ जाएगा, 2BrO3 माइनस प्लस हाइड्रोजन कितना देना है, 6 × 12, तो इधर हम लोग क्या करेंगे 12H+ ऐड कर देंगे। अब यहां से देखिए, पहले वाले में अगर आप OH ऐड करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ पे ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी ऐड करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें आपको सेम ऐड करने पे कैंसिल नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ दूसरा प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो हम लोग कितना ऐड करेंगे OH, जितना H+ आपके पास होगा, तो कितना H+ है, 12H+ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 12OH दोनों साइड ऐड कर लेंगे, 6H2O प्लस 12OH माइनस 2BrO3 माइनस प्लस 12H+ प्लस 12OH माइनस। अब 12H+ और 12OH माइनस मिलकर क्या बनाएगा, 12H2O Br2 प्लस 6H2O प्लस 12OH माइनस 2BrO3 माइनस प्लस 12H2O, ठीक है। अब यहां देखिए 12H2O है, इधर 6H2O है, इसको इधर ले जाएंगे तो 6H2O बचेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, Br2 प्लस 12OH माइनस 6 हमने इधर ले आया है, तो यहां कितना बचेगा, 6 बचेगा, 2BrO3 माइनस प्लस 6H2O। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कितना चार्ज है हमारे पास, यहां देखिए 12 माइनस है, इधर 2 माइनस है, तो इधर अगर हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन नंबर 2, और ये इक्वेशन नंबर कहाँ गया, पहला वाला यहाँ हमने नहीं ऐड किया है, इधर हम लोग क्या करेंगे, नहीं ये अभी पहला ही चल रहा है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, Br2 से Br माइनस, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, Br2 Br माइनस, तो यहां पे क्या हो जाएगा, Br2 से 2Br माइनस, इधर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहां इस इक्वेशन में हम लोगों को क्या करना है, अब यहां देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5Br2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा, 10Br माइनस। अब इक्वेशन नंबर इसको थर्ड को ऐड कर देंगे, इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट को, ये क्या आ जाएगा, 5Br2 और ये Br2 मिलके क्या बनाएगा, 6Br2 प्लस, ये 12OH माइनस है, कहाँ गया, हाँ 12OH माइनस, फिर इसके बाद ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया है, 2BrO3 माइनस प्लस 6H2O प्लस 10Br माइनस। अब यहां देखिए आपके पास क्या है, बैलेंस हो गया है, लेकिन अभी यहाँ कॉमन निकालने के लिए ऑप्शन है हमारे पास, तो इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे, इधर देखिए, यहाँ देखिए ये हमारा यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो 2 से हम यहाँ कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3Br2 प्लस 6OH माइनस, जैसे उसके पहले आयोडीन वाले में बना था, आयोडीन था या क्लोरीन था जो भी था, यहाँ क्या हो जाएगा, Br3 माइनस प्लस 3H2O प्लस 5Br माइनस। यहाँ देख लीजिए 5×10 हो गया, 3×6 हो गया, ब्रोमीन 1 और 5, 6 हो गया ये, हाइड्रोजन देख लीजिए, ऑक्सीजन पहले देख लीजिए, 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, 6
छह हो गया, हाइड्रोजन देखिए छह है, तीन दूनी छह, बैलेंस हो गया है। फिर उसके बाद माइनस चार्ज देख लेते हैं, छह माइनस यहाँ हो गया, एक माइनस यहाँ और पांच माइनस यहाँ, मतलब छह माइनस हमारा कंप्लीट हो गया दोनों साइड में, ये बैलेंस हो गया। इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से नोट करिए। बस पांच क्वेश्चन और बचे हैं, सब छोटे छोटे ही हैं। ऑक्सीडेशन मेथड वाला तो बहुत आसान है, दो तीन लाइन में हो जाता है, उसको आपको देखना पड़ेगा बस ध्यान से क्या बताया जा रहा है। हो गया, बोलिए। अरे थोड़ा हंस भी लिया करो, प्रेशर इतना ना झेलो कि आपको दिक्कत हो, प्रेशर इतना नहीं है, एग्जाम का प्रेशर नहीं लेना चाहिए, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए, आप एग्जाम में अच्छा करके आओगे और मेरा आशीर्वाद है आप लोग अच्छा करके आओ। इसको मिटा रहे हैं, ना हुआ रहा करे तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, वीडियो रोक के आप आराम से नोट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है Zn प्लस NO3 माइनस, Zn प्लस NO3 माइनस ये हो जाएगा ZnO2 माइनस प्लस NH3 प्लस H2O, ठीक है, ये दिया हुआ है H2O है, ये इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, ZnO2 दिया है। अब यहां मैं आपको देखिए एक चीज बताया था ना कि तोड़ना कहाँ है, यहाँ आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ये ऑक्सीजन लगा है, अगर कोई और रहता तब तोड़ना पड़ता, ठीक है, उसको अलग से आप कहाँ से ऐड कर पाओगे, यहाँ पे तोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है, H2O ऐड करना होता, तो हम कभी भी ऐड कर सकते हैं, ZnO2 माइनस हो गया और NO3 माइनस से NH3, ठीक है। अब यहां देखिए नाइट्रो आपको एक का क्या हो रहा है, यहाँ जीरो हो, जीरो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ प्लस फाइव बना रहा है, प्लस फाइव से यहाँ प्लस माइनस थ्री पे जा रहा है, तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, आप ऐसे देख सकते हो ना, यहाँ पे जेड एन एक्स मान लो, इसको चार दुनी दो दुनी चार हो जाएगा, चार में से एक गया तो जेड एन थ्री प्लस यहाँ मतलब बनाएगा, इस केस में बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग कर लेते हैं, पहले एनओ थ्री माइनस है, एनओ थ्री से यहाँ एन एच थ्री आया है, ठीक है, तो इसमें इधर हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ऑक्सीजन कितना, थ्री एच टू ओ, इधर क्या हो जाएगा, तीन दुनी छः एच प्लस, एनओ थ्री माइनस प्लस सिक्स एच प्लस, ये हमारा क्या हो गया, एन एच थ्री प्लस थ्री एच टू ओ, यहाँ देखिए सिक्स प्लस है, इधर एक माइनस है, तो इसका मतलब फाइव इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हो जाएगा, एनओ थ्री माइनस प्लस सिक्स एस प्लस प्लस फाइव इलेक्ट्रॉन एन एस थ्री प्लस थ्री एस टू, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, जेड एन से जेड एन ओ टू माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड एन प्लस टू एस टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ZnO2 माइनस प्लस 4H प्लस, ये इक्वेशन 4H प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ एक माइनस इधर है, यहाँ 4 प्लस है,
ठीक है, तो एक माइनस और फोर प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा, NO3 था ना, NH3। एक मिनट रुक जाइए, इस यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, 3H2O हुआ, अब यहाँ देखिए कितना है, तीन दूनी छः, यहाँ पे गड़बड़ हुआ था इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, तीन दूनी छः हो गया, छः तीन नौ हो गया, तो यहाँ पे आप 9H+ ऐड करोगे, यहीं से प्रॉब्लम हो रहा था इसी वजह से गड़बड़ था। यहाँ पे देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब 5 इलेक्ट्रॉन ना ऐड करके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 9S+ है, 9S+ यहाँ पे एक माइनस किए तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है, अब ये हमारा सही हो जाएगा, अभी तक प्रॉब्लम था, तभी हम कहें कि गलत कहाँ पे हो रहा है, 4S+ हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे, अब आ जाएगा आपका, क्योंकि वहीं से प्रॉब्लम था। अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 8Zn इसमें कर रहे हैं प्लस 16S2O प्लस इसमें कितने से हो जाएगा, 3 से, 3NO2- प्लस 27S+, बाकी ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगा, 3NH3 प्लस 9H2O प्लस कितना हो जाएगा इधर, उसमें 8 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 8ZnO2- प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 8×32S+ बस इतना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कुछ कैंसिल भी होगा तो उसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे, देखिए कैंसिल क्या करना है, इसको इधर शिफ्ट करना है, यहाँ 16H2O है तो यहाँ 8Zn तो आप लोग लिखेंगे ही, 16H2O है यहाँ 9H2O है तो यहाँ कितना बचेगा, 7H2O प्लस यहाँ क्या है, 3NO2- है, यहाँ 3 यहाँ पे डायरेक्ट यही लिखेंगे, 3NO2- प्लस यहाँ देखिए 27S+ है, इधर कितना है, 32 है, तो इसको हम लोग अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 3NH3 प्लस 9 इधर शिफ्ट हो ही गया है, 8ZnO2- प्लस 5S+। अब इसको देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं, इसको देख लीजिए 8Zn, ठीक है, प्लस यहाँ ये NO3 है, NO2 नहीं, 3NO3- है, 3NO3- हो गया, 7H2O, ठीक है, फिर इसके बाद इधर क्या हो जाएगा, 3NH3 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5S+ और 8ZnO2-। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 8ZnO2- हो गया प्लस यहाँ 5S+। अब देख लेते हैं किसका बैलेंस है कितना है, 8Zn बैलेंस है, 7×14 14S+ ये हो जाएगा, 7×14 हो गया ना, 5S+ यहाँ से हो गया और 6×3=9, 9×5=14S हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन 7 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 यहाँ से है और 9×7=16, 8×2=16 ये बैलेंस हो गया, इसका मतलब हमारा सब कुछ बैलेंस है। और माइनस चार्ज देख लेते हैं, 3 माइनस चार्ज यहाँ हो गया, यहाँ देखिए 8 माइनस है और ये 5+ है, तो इसका मतलब 3 माइनस बचा हमारे पास, ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम हो गया था, ध्यान नहीं दिया यहाँ पे NH3 पे, तो उससे आप परेशान ना होइए कि ऐसा नहीं है कि सर कर नहीं पा रहे हैं तो मन में ऐसा करो, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा आता है हमको अच्छे से, नहीं आ रहा होता तो यहाँ पे नहीं खड़ा होता, ठीक है, तो इससे आप परेशान ना होइए कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, कैलकुलेशन आपसे भी प्रॉब्लम होती है, कहीं मिस कर गया इसी वजह से नहीं हो रहा था, यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा था 6×3=9, वही 9S+ हमने ऐड नहीं किया था, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ भी 9S+ ही होगा, ठीक है।
तो ये रिएक्शन आप ऐड कर मतलब नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा 9वां क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 था। चार क्वेश्चन और बचे हैं और सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, यही सब बड़े थे, बाकी सब क्वेश्चन छोटे हैं। हो गया, मिटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा आई टू प्लस एनओ थ्री माइनस, आई टू प्लस एनओ थ्री माइनस, इससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन एक था, या एनओ टू प्लस, बस वहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, बाकी सेम आई ओ थ्री माइनस, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ आई टू से आई ओ थ्री माइनस, एनओ थ्री माइनस से एनओ टू, ये लिखना है, आई टू से आई ओ थ्री माइनस और एनओ थ्री माइनस से एनओ टू पे जाना है। तो एनओ थ्री माइनस का मतलब नाइट्रोजन यहाँ प्लस फाइव और यहाँ प्लस फोर पे जा रहा है, इसका मतलब ये इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका निकालेंगे तो ये प्लस फाइव बनाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जीरो से प्लस फाइव जाओगे तो ऑक्सीडेशन, यहां हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए यहां NO3 से इस वाले में देख लेते हैं, यहां ऑक्सीजन तीन है, यहां पे दो है, इसका मतलब इधर H2O ऐड करना है, NO3 माइनस से यहां NO2 पे गए प्लस H2O, इधर क्या करना पड़ेगा 2H प्लस NO2 प्लस H2O। अब यहां देख लीजिए कितना है, एक माइनस है, यहां एक एक प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब एक प्लस बचेगा, तो इसका मतलब इधर वन इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, NO3 माइनस प्लस 2H प्लस प्लस वन इलेक्ट्रॉन NO2 प्लस H2O, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद आई टू से आई ओ थ्री माइनस, तो यहां पे देख रहे हैं ऑक्स आई आपका कितना है, एक है, यहां दो है, तो इधर दो से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आई टू टू आई ओ थ्री माइनस, ये इक्वेशन। फिर इसके बाद देखिए दो माइनस इधर है, और फिर उसके बाद तीन दूनी छह, छह ऑक्सीजन है, तो इसका इधर क्या हो जाएगा सिक्स एच टू ओ, आई टू प्लस सिक्स एच टू ओ 2iO3 माइनस प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 6 दुनी 12 H प्लस, ठीक है। अब इसको क्या करना है, 12 H प्लस आ गया है, इधर देखिए 2 प्लस यहाँ, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, ठीक है, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन 10 10 इलेक्ट्रॉन हो गया है, यहाँ 1 है, तो दूसरे वाले में क्या करना पड़ेगा, 10 इलेक्ट्रॉन वाले से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, यहाँ पे कितना आ रहा है I2, ये इक्वेशन देखिए I2 से 2iO3 माइनस है ना, तो 2 3 6 6H2O हो गया, 6H2O होने के बाद अब क्या करोगे, IO3 माइनस ये है ना, तो यहाँ 6H2O कर दिए, ठीक। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 12H प्लस, ये 6 दूनी 12 उसके बाद, हाँ सही है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ वन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन में, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, 2 प्लस 2 माइनस सही है, चलिए ये आपका क्या हो जाएगा, आई टू प्लस 6H2O प्लस 10NO3 माइनस प्लस
ट्वेंटी एस प्लस, ये कितना हो जाएगा एनओ टू, ये कितना टेन एनओ टू हो जाएगा, टेन एनओ टू प्लस टू आई ओ थ्री माइनस प्लस ट्वेल्व एस प्लस प्लस एस टू ओ। अब इसमें से माइनस माइनस करके देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्स एस टू ओ है, उधर कितना है एक एस टू ओ, इधर ले आएंगे तो फाइव एस टू बचेगा, आई टू प्लस फाइव एस टू ओ प्लस टेन एन ओ थ्री माइनस प्लस, यहाँ देखिए ट्वेंटी एच प्लस है, इधर ट्वेल्व एच प्लस है, इधर ले आओगे एट एच प्लस बचेगा, ठीक है। फिर इसके बाद इधर क्या हो जाएगा, टेन एन ओ टू प्लस टू आई ओ थ्री माइनस, बस देखिए कहीं कॉमन वॉमन तो निकलेगा ही नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, आई टू यहाँ है, दो आई टू हो गया, पाँच दूनी दस, आठ अट्ठारह, हाइड्रोजन कहाँ गया, फाइव एस टू ओ, नहीं कोई टर्म छूट गया क्या, यहाँ दस एस टू ओ है, यहाँ टेन मल्टीप्लाई हुआ ना टेन एस टू ओ, यहाँ कितना है सिक्स एस टू है, तो ये उधर जाएगा तो फोर एस टू बच जाएगा, ये देखिए आई टू प्लस उधर जाएगा, पहले यहाँ टेन एनओ थ्री माइनस प्लस, ये कितना है एट एच प्लस, यहाँ कितना हो गया टेन एनओ टू प्लस टू आई ओ थ्री माइनस प्लस फोर एस टू ओ। अब देखिए यहाँ एट एच प्लस है, एट एच हो गया, आई टू है दो आई हो गया, और दस या तीस, तो ये दस दूनी बीस और छः छब्बीस चार तीस, ये सही हो गया। फिर उसके बाद नाइट्रोजन टेन है, टेन नाइट्रोजन हो गया, बैलेंस हो गया, सब कुछ बैलेंस है, चार्ज देख लेते हैं, आठ आठ चार्ज इधर है, ठीक है, इधर दस है, इसका मतलब दो माइनस है, दो माइनस, ये हमारा रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर आपका था दस। फिर इसके बाद जो अवधेश वर्मा ने सिविल सिटी के हैं, ठीक है, सिविल सिटी नहीं सिविल पीएचई, सिविल पीएचई के हैं, उन्होंने बोला था, तो उसको मैं क्वेश्चन बस करा दे रहा हूँ, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि टाई लगाए रहते हैं तो याद रहता है कि हाँ वही है। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी यू एस प्लस एनओ थ्री माइनस सॉरी एच प्लस सी यू टू प्लस प्लस एनओ प्लस एच टू ओ एस प्लस एस टू ओ। देखिए आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है सी यू एस दिया है, सी यू एस सी यू टू प्लस है,
तो यहाँ जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कॉपर की यहाँ 2+ है, 2+ से 2+ जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसको एज इट इज ऐसे रहन देंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्यों? क्योंकि सल्फाइड का आपका 2- होता है और कॉपर का 2+ बनाएगा। तो यहाँ पे तो इस वाले केस में हमको क्या करना है, यहाँ आप देखोगे सल्फाइड क्या बना रहा है, तो यहाँ सल्फाइड 2- है, मतलब -2 बना रहा है, -2 से 0 पे जा रहा है, और दूसरा NO3 से NO पे जाएगा, ये ध्यान देना है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। CuS से आपको ये भी लिखना पड़ेगा Cu2+, नहीं लिखेंगे तो लास्ट में आपको ऐड करना पड़ेगा, क्या मतलब है CuS+S, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, और दूसरा क्या हो जाएगा NO3 से माइनस से NO जा रहा है, तो NO3 -3 × 6, इसका मतलब +5 से यहां पे +2 बनाएगा, तो ये आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बस यही इतना आपका प्रॉब्लम कर रहा था, जो भी जितने लोगों को ये क्वेश्चन मिला होगा तो उसमें ये यही प्रॉब्लम कर रहा था, इसी वजह से। तो कुछ पेपर में देखिए Cu5 लिखा हुआ है, तो उसे कंफ्यूज मत होइएगा, Cu5 ने CuS है, कुछ क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे तो उसमें Cu5 लिखा है, तो Cu5 वहां नहीं होगा, वहां CuS होगा, और यहाँ 5 लिखा हुआ था, 5 नहीं होगा, S होगा, तो इसी कंफ्यूजन में। और जिस एक दो पेपर में सही लिखा हुआ है, यही है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, उसमें Cu5 लिखा हुआ था, तो वो मिस्टेंट है, CuS होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसको कर लेते हैं, NO3 माइनस है, NO है, यहाँ NO3 माइनस से कहाँ जाएंगे, NO प्लस, कितने ऑक्सीजन की कमी है, 2, तो 2H2O हो गया। अब इधर हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे, NO3 माइनस प्लस 4H+ NO प्लस 2H2O, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन, NO3 माइनस प्लस 4S+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन NO प्लस 2H2O, ठीक है। अब यहाँ ये इक्वेशन नंबर हम लोग इसको फर्स्ट मान लेंगे, दूसरा क्या है, CuS से Cu2+S ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बस देखना है चार्ज वगैरह बैलेंस है कि नहीं, बस यहाँ पे ये करके 2 इलेक्ट्रॉन इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए। बस आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, इसका इसमें, उसका उसमें करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन में 3 से 2NO3, या पहले CuS कर लेते हैं, 3 इसको ऐसे लिख लीजिए, 3CuS प्लस 2NO3 माइनस प्लस 8H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, एक बार लिख दे रहा हूँ, बहुत आप लोग परेशान रहते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, 3Cu2+ 3S प्लस 2NO प्लस 4H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, एक स्टेप में और आते हैं, 3CuS प्लस 2NO3 माइनस प्लस 8H+ H2O वगैरह तो नहीं है, नहीं, 3Cu2+ प्लस 3S प्लस 2NO प्लस 4H2O। अब एक बार चेक कर लेते हैं हमारा बैलेंस है कि नहीं है, सब कुछ
क्योंकि कभी कभी गड़बड़ हो जाता है ना, तो यहाँ थ्री कार्बन है, थ्री कॉपर है, थ्री कॉपर हो गया, दो नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन हो गया, सल्फर कितना है, तीन सल्फर है, तीन सल्फर हो गया, ऑक्सीजन तीन दूनी छः, चार प्लस दो छः, हाइड्रोजन चार दो आठ है, आठ हाइड्रोजन, इसका मतलब बैलेंस है। अब देख लेते हैं कितना एस प्लस है, तीन दूनी छः प्लस है, दो माइनस और आठ प्लस, मतलब छः प्लस आ गया, इसका मतलब ये हमारा इक्वेशन बैलेंस है। यही क्वेश्चन था जो अवधेश ने बार बार, देखो मैं मैसेज भी कर दिया कि आपको मैं, मेरा पेपर है, पेपर के बाद मैं करा दूंगा, परेशान ना हो, लेकिन नहीं, तो आपका क्वेश्चन हो गया है, परेशान ना होइए, ठीक है। मेरा भी पेपर चल रहा है, मैं भी पेपर दे रहा हूँ, तो जितना आप मेहनत कर रहे होंगे उससे ज़्यादा मैं भी मेहनत कर रहा हूँ इसके लिए भी, और अपना जो पढ़ना है उसको तो पढ़ना ही है, तो इसको नोट करिए। फिर नेक्स्ट जो दो क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन मेथड से है, थोड़ा नया क्वेश्चन आपको मिलेगा क्योंकि पेपर में आया हुआ है, और आपको शायद, और पिछला जो क्वेश्चन कराया हूँ शायद उसमें आपको नहीं मिलेगा, तो इसीलिए ये दो क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, नया है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद दोनों क्वेश्चन कराते हैं, फिर वही लास्ट हमारा होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। मिटाए इसको, थोड़ा जल्दी करते हैं, बारिश की संभावना दिख रही है। देखिए पहला क्वेश्चन है P प्लस एच एन ओ थ्री, P प्लस एच एन ओ थ्री, इससे क्या बना रहा है, एच पी ओ थ्री प्लस एनओ प्लस एच टू ओ, तो इसमें आपको क्या बताया था, पहले P से क्या करोगे, एच पी ओ थ्री ये लिख लो, और एच एन ओ थ्री से एनओ लिख लो। आपको क्या देखना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां जीरो था, यहां निकालोगे P का तो ये क्या हो जाएगा, वन, ये प्लस फाइव हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखोगे तो ये क्या बनाएगा आपका, प्लस फाइव, तो यहां क्या लिखोगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस फाइव, ठीक है। और इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे देखिए यहां प्लस फाइव है, प्लस फाइव से यहां क्या आ जाएगा, प्लस टू, इसका मतलब चेंज देखना है, मतलब अब ये माइनस प्लस मत देखिएगा, तो यहां प्लस थ्री आ जाएगा। तो आपको क्या बताया था, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, इसकी जो आएगी आपस में त्रियक गुणा कर दीजिए, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका मल्टीप्लाई इस वाले इक्वेशन में, और इसका जो है उसका ऊपर वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर कहीं कमी उमी पड़ रही है ऑक्सीजन की तो एस टू ओ एड कर दीजिए, अगर एस प्लस की मतलब कमी पड़ रही है तो वहां पे एस प्लस, हाइड्रोजन की कमी पड़ रही है तो वहां एस प्लस एड कर दीजिए, बस यही करना है। यहाँ क्या आ जाएगा, थ्री पी प्लस फाइव एच एन ओ थ्री प्लस प्लस क्या, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, थ्री एच पी ओ थ्री प्लस फाइव एनओ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तीन पी, तीन पी बैलेंस है, हाइड्रोजन देख लेते हैं, पांच हाइड्रोजन, यहाँ तीन ही हाइड्रोजन है तो भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अभी ये तो हमारा आ गया है, अब इसको और बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि एच टू ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, पांच तीन पंद्रह ऑक्सीजन है, यहाँ तीन त्रिका नौ, पांच चौदह ऑक्सीजन है, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, एक एच टू को ऐड कर देंगे, थ्री पी प्लस फाइव एच एन ओ थ्री आपका बैलेंस हो जाएगा, थ्री एच पी ओ थ्री प्लस फाइव एन ओ प्लस एच टू ओ, ये क्या आ जाएगा, पांच तीन पंद्रह
तीन त्रिका नौ, पांच चौदह एक पंद्रह, ये हो गया। हाइड्रोजन देख लीजिए, दो और तीन पांच, पांच हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पांच नाइट्रोजन हो गया, पांच नाइट्रोजन हो गया, सब कुछ बैलेंस है, यही हमको बैलेंस करना था। तो ये छोटा सा आपका क्वेश्चन हो गया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 है, उसको भी यहीं पे ही सॉल्व कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13, 13 में क्या है, CuO प्लस NH3, Cu प्लस N2, ये ऑक्सीडेशन मेथड है। क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया है ऑक्सीडेशन मेथड से, ऑक्सीडेशन मेथड में आपको पहले ही बताया, बस कुछ नहीं करना है, बस चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए, Cu प्लस N2 प्लस H2O, यहां CuO से Cu, और दूसरा है NH3 से N2, यहां क्या हो रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस टू आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, माइनस थ्री से यहां जीरो है, तो चेंज इन ऑक्सीड मतलब जीरो है, ये माइनस थ्री है, माइनस से नहीं मतलब है, बस इसका डिफरेंस आपको निकालना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू प्लस थ्री। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, 3CuO प्लस 2NH3 फिर यहां क्या हो जाएगा, 3Cu प्लस 2N2। अब देख लीजिए अभी बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन यहां कितना है, 3 ऑक्सीजन है, तो यहां क्या करेंगे, प्लस 3H2O, तीन ऑक्सीजन हो गया, 3H2O, बस हो गया हमारा आंसर आ गया है, तीन ऑक्सीजन हो गया, तीन कॉपर हो गया, तीन ऑक्सीजन ये हो गया, दो नाइट्रोजन हो गया, 2N2 कहां से आ गया, टू एन एच थ्री, यहां देखिए रुक जाइए, थोड़ा सा चेंज है, यहां दो नाइट्रोजन है, यहां एक यहां दो है, यहां एक है, तो बाद में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां तीन, जब दो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तीन दूनी छह हो जाएगा, यहां सिक्स से मल्टीप्लाई करना है, और यहां पे क्या इक्वेशन वाले पहले वाले में मल्टीप्लाई ही मत करिए, कर सकते हो, तो यहां सिक्स से मल्टीप्लाई करना है दूसरी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6CuO, अभी बाद में फिर से कॉमन लेना पड़ेगा, 6CuO यहाँ क्या हो जाएगा, 6Cu, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2NH3 आया था ना, यहाँ दो, 2 यहाँ NH3 फिर आ जाएगा, दो दूनी चार हो जाएगा, 4NH3, चार तीन 12 हो गया, और फिर इसके बाद यहाँ कितना आया था, CO3H2O, अब ऑक्सीजन 6 है तो यहाँ पे आप 6 कर दोगे, 6H2O, 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 6 कार्बन कॉपर, 6 कॉपर, 4 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, 4 तीन 12, 6 दूनी 12। देखिए आपको करना क्या होता है, एक बार इसको फिर से बता दे रहा हूँ पूरा, यहाँ पे देखिए कोई भी इक्वेशन आपको मिले, अगर बोल रहा है ऑक्सीडेशन मेथड से, ये भी आपका ऑक्सीडेशन ही मेथड से करना था, ऑक्सीडेशन मेथड से, तो आपको करना क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए और इसकी निकाल लीजिए, फिर उसके बाद उसका डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस का मतलब माइनस प्लस से नहीं मतलब, बस डिफरेंस आना चाहिए, कि मतलब जैसे किसी के पास 15 रुपए है और किसी के पास 10 रुपए है, तो उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, तो बस वो डिफरेंस आपको देखना है, तो डिफरेंस देख के फिर दोनों में मतलब ऑक्सीडेशन वाले में कितना आ रहा है, रिडक्शन वाले में, लेकिन आपका ये लिखना है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नहीं, ये ना लिखना
लिखने लगना कि चेंज इन रिडक्शन स्टेट, तो रिडक्शन वगैरह नहीं लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ही आप लिख रहे हो। तो यहाँ पे इसको लिखने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर देना है, और ये दो हमने कहाँ से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ हमने दो से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि यहाँ पे सिंगल NH3 था, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ दो है ना, यहाँ दो नाइट्रोजन कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ दो से, पहले आपको क्या बताया था एटम से, पहले आपको क्या करना है एटम बैलेंस करना है, तो एटम बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही किया गया है। ठीक है, तो गड़बड़ मत करिएगा, ये आपका यहीं पे खत्म होता है। और अब आप लोग हो गए हैं रेडॉक्स रिएक्शन या बोल सकते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के आप हो गए हैं मास्टर ऑफ द ब्लास्टर। तो आप लोग बहुत अच्छे से करके आइएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छे से करिएगा, गड़बड़ मत करिएगा, कहाँ H2O ऐड करना है कहाँ नहीं करना है वो ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से, क्योंकि वहीं पे आप गड़बड़ करते हो H2O और उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने में गड़बड़ होती है ज्यादा करके, तो वहाँ गड़बड़ मत करिएगा। और वैसे भी जहाँ भी आपको बताया गया है कि यहाँ यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो वहाँ जरूर फोकस करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको हो सकता है कल वाली क्लास में आपको कोई एक पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑल दी बेस्ट, पहले से ही आपको बेस्ट विशेष दे रहा हूँ कि एग्जाम में अच्छे से करके आइएगा, फोड़ दीजिएगा, जो मन करेगा वो कर दीजिएगा, बस अच्छा करके आइएगा, क्योंकि मेरा नाम आप जैसे होता है ना मिट्टी में मत मिलाना, तो मिट्टी में मिलाने का मतलब आप नंबर अच्छा लेके आएंगे तो हमको भी खुशी होगी, आपके मम्मी पापा को भी खुशी होगी, और आपके डिपार्टमेंट को भी खुशी होगी कि जो भी आपका ब्रांच है उस ब्रांच के आप टॉपर हैं या जो भी हैं। ठीक है, थैंक यू।